नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज सुबह से ही एक खबर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती नजर आई, वो है आरएसएस के एक नेता इंद्रेश कुमार का बयान, जहां पर वो कहते नजर आए कि अहंकार की वजह से बीजेपी जो है एक पर्टिकुलर सीट पे अटक गई और अहंकार के वजह से ही बीजेपी जो है वो मेजोरिटी जो है नहीं पा सकी अपने बलबूते पे। तो वही दूसरी तरफ उन्होंने इसमें यह भी मेंशन किया हुआ था कि जिन लोगों ने जो राम विरोधी है वो जीत ही नहीं पाए और वो दूसरे पायदान पर एक साथ सभी दूसरे पायदान पर चले आए। इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजियां कर रहा था, कई तरह की चीजें कही जा रही थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आरएसएस ने अब उनके ही, अगर आप कहेंगे कि आरएसएस के एक और जो नेता है इंद्रेश कुमार, के ही बयान से अब उन्होंने किनारा कर लिया है। आरएसएस के सूत्रों के अनुसार यह खबर सामने आई है कि इंद्रेश कुमार द्वारा दिया गया बयान उनका निजी बयान है और यह संघ का बयान नहीं है, यानी संघ ने साफ तौर पर इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर दिया है और ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये उनका निजी बयान था, संघ का इसे कोई लेना देना नहीं है। और ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, जो इस पूरे मामले को लगातार मोहन भागवत से और आरएसएस से जोड़कर देख रही थी और ये कह रही थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में परेशानी स्टार्ट हो चुकी है। वह इस मामले पर अभी भी बयानबाजियों का दौर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच स्वामी रामदेव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, उनके नेतृत्व की तारीफ की, 10 साल में किस तरीके से भारत अग्रसर होकर डेवलप्ड होकर आगे की तरफ बढ़ता गया है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अच्छा काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जब इंद्रेश कुमार को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, इंद्रेश कुमार के बयान पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं, किसी भी प्रकार की जाति संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना यह राष्ट्र की एकता और संपदा के लिए ठीक नहीं है। क्या कुछ कह रहे थे रामदेव, जरा सुनिए। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताने बाने को उत्कर्षता प्रदान करते हुए विरासत मूलक विकास की, संस्कृति मूलक समृद्धि की और सर्व हित के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, पुरुषार्थ के साथ जो एक कीर्तिमान रचा, हम आश्वस्त हैं। चुनौतियां चाहे जितनी हो देश के सामने, मोदी जी सारे देश को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के नेता है, उन्होंने कहा है कि जो राम का विरोध करते थे वो दूसरे नंबर पर आए हैं और जो राम के अब जो खिलाफ हो गए हैं, मतलब वो अहंकार हो गए हैं। 241 सीटें आई हैं उनकी, इंद्रेश कुमार जी ने कहा। राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है जी। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सब सबके हैं, किसी भी प्रकार की जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना ये राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रदाय के लिए ठीक नहीं। तो जैसा कि आपने स्वामी रामदेव को जी को सुना कि वो क्या कुछ कह रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि इस मामले पर विपक्ष भी बयानबाजी जोरों पर है। संजय सिंह ने जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी का बयान, ऑर्गेनाइजर पत्रिका के लेख और इंद्रेश कुमार का बयान साबित करता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। माँ आरएसएस ने बेटे बीजेपी को और बेटे बीजेपी ने माँ आरएसएस का त्याग करने का फैसला कर लिया है। इस झगड़े को शुरुआत होती है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान से, जिसमें कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि विपक्ष इस मामले में किस तरीके से गोल मटोल घुमा फिरा के जो है बयान देने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं भड़काने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब से मोदी 3.0 की शुरुआत हुई है तो विपक्ष कभी जो है टीडीपी को भड़काने के लिए, कभी नीतीश कुमार को भड़काने के लिए, अब आरएसएस को भड़काने के लिए इसी तरीके के बयान देते रहता है, चिंगारी लगाने का काम करते रहता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इंद्रेश कुमार के बयान से आरएसएस ने किनारा कर लिया है और उन्होंने ये कहा है, उनके सूत्रों के हवाले से ये अपडेट है कि जो बयान इंद्रेश कुमार ने दिया है ये उनका निजी बयान है, संघ से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये संघ द्वारा दिया गया बयान है, ये उनका पर्सनल बयान है, पर्सनल व्यू है, वो क्या सोचते हैं। और इसी वजह से जो है विपक्ष के लिए, हम इसे झटका भी बता रहे थे, क्योंकि विपक्ष इस मामले को लेकर इस कदर राजनीति कर रही है। संजय सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा खुद सुनिए। आता है मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है, मणिपुर में हिंसा जारी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
फिर उनका बयान आता है कि जो संघ का स्वयंसेवक होता है वो अहंकारी नहीं होता। फिर इंद्रेश कुमार जी का बयान आता है कि अहंकार के कारण जनता ने सबक सिखाया। ये तीनों बातें क्या साबित करती हैं कि विपक्ष के लोगों के मुद्दे 100% सही थे। जब मैं पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की आवाज उठा रहा था, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। मैंने संसद के परिसर में कई रातें गुजारी। मैंने क्या मांग की थी प्रधानमंत्री जी से? यही कि मणिपुर में शांति की बहाली कीजिए। उस समय भागवत जी और सारे विपक्ष ने आवाज उठाई थी। उस समय शायद अगर भागवत जी बोलते तो सरकार को या तो सचेत होना पड़ता, कार्रवाई करनी पड़ती, या फिर आज जो 240 का परिणाम आया है ये परिणाम और कम आता। इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं अहंकारी हो गए। अरे भाई, अहंकार के एक नहीं कई लक्षण आपको दिखे सामने। 10 साल का इतिहास उठा के देखिए। कभी कांग्रेस की विधवा बोल दिया, कभी जर्सी गाय बोल दिया, कभी केजरीवाल को बदनसीब बोल दिया, कभी आतंकवादी बोल दिया, कभी खालिस्तानी बोल दिया, कभी अर्बन नक्सल बोल दिया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दिया, कुछ भी बोलते गए। और चलो ये तो राजनीतिक लड़ाई की बात हो गई, आपने भाषा की सारी मर्यादा पार कर दी। मटन, मुगल, मदरसा, मुजरा, ये शब्द बोल रहे भारत के प्रधानमंत्री। सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे। केजरीवाल साहब को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अरे अहंकार की सीमा तो तब पार हो गई जब इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या भागवत जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि कोई इंसान भगवान श्री राम को नहीं ला सकता? क्या इंद्रेश कुमार जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि हमको इस गाने के ऊपर आपत्ति है, आपने कैसे यह गाना बनाया? क्या वो पोस्टर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं दिखा जिसमें मोदी जी की तस्वीर तो इतनी बड़ी है वो बड़े भगवान बन गए हैं, और श्री राम जी की तस्वीर एकदम से छोटी है, हाथ पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं? ये अपमान नहीं दिखा आपको? ये अहंकार नहीं दिखा? जब संबित पात्रा जी कहते हैं भगवान जगन्नाथ तो मोदी जी के भक्त हैं, आप मुझे बताइए, तब अहंकार नहीं दिखा? जब जेपी नड्डा जी ने कहा कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं, तब अहंकार नहीं दिखा? जब खुद मोदी जी ने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मैं तो अवतार हूं, तो इससे बड़ा अहंकार का क्या उदाहरण होता है? जब आपने अपने आप को भगवान से ही ऊपर मान लिया। और देखिए, भगवान श्री राम ने सबक सिखा दिया। भगवान श्री राम का तो बहुत साफ संदेश है कि हमने रावण के अहंकार को भी तोड़ा है, नष्ट किया है, उसकी लंका लगाई है, उसकी लंका जलाई है। हमने तो रावण को भी बर्बाद कर दिया। किसी इंसान के अहंकार को बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए राम पथ गमन मार्ग हमारे उत्तर प्रदेश में है। जिन रास्तों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौसाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे, अरे तो भोले शंकर की थोड़ी बहुत कृपा हो गई, वरना काशी से भी हार जाते। भोले शंकर की थोड़ी बहुत कृपा हो गई वरना काशी से भी हार जाते। कांग्रेस को अपने इतिहास में सबसे ज्यादा वोट 4,65,000 वोट वहां मिला। 52 से लेकर अब तक कांग्रेस कभी इतना वोट नहीं पाई। तो इसलिए इंद्रेश कुमार जी का बयान, ऑर्गेनाइजर पत्रिका में लिखा गया बयान, और साथ ही साथ भागवत जी का बयान 100% कम से कम नरेंद्र मोदी जी के बारे में और इस सरकार के बारे में सही है। और अब
उनको सिर्फ बयानबाजी तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। जो स्वयं सेवक बीजेपी के साथ हैं, जो स्वयं सेवक इस अहंकार को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो स्वयं सेवक बीजेपी की सरकार में हैं, उनसे अपील करें कि नरेंद्र मोदी के विरोध में वो सामने आकर बोलें। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, वो यहाँ पर जो है जमकर बयानबाजियां कर रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं, और इस मामले में जो है आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। संजय राउत भी इस मामले पर काफी बयानबाजियां कर रही हैं, काफी सारी चीजें जो है कह रही हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने उसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो है उनसे कहा कि आरएसएस के प्रमुख लोग बदले की राजनीति रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर तरफ जो है बदले की राजनीति देखी, हर तरह जो है उन्होंने कहा कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए ये कहते हैं, लेकिन यहाँ तो अहंकार, मिसयूज ऑफ पावर और जो है बदले की राजनीति देखने के लिए मिली। आरएसएस सब देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा, 10 साल उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरीके से उसका विरोध आरएसएस के एक नेता द्वारा किया गया था, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तानाशाह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और उन्हें जेल में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से स्वतंत्रता में और देश के लिए जो है आरएसएस के कई सारे नेता जेल जा चुके हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन 10 साल में इसका एकदम विपरीत देखने के लिए मिला। कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, जनता ने जो है उन्होंने कहा कि अहंकार की राजनीति का जवाब दिया, लेकिन आरएसएस द्वारा इसे लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, ना ही कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि जो अहंकार के शिरोमणि पर बैठे हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हैं, जल्दी सत्ता से उन्हें दूर करने का काम आरएसएस क्या करेगी, क्या उनका टेक इस पर बराबर रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि आरएसएस ही ऐसा कर सकती है कि उन्हें यानी शिरोमणि यानी बिना नाम लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर दिया और कहा कि उन्हें जो है सत्ता से उतारे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। ऐसा कि आपने देखा कि इस मामले पर लगातार बयानबाजियां हो ही रही हैं, सारी चीजें कही दी और क्या कुछ कह रहे थे संजय राउत, जरा एक बार आप सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं, कल सरसंघचालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है, अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी कि आरएसएस के लोग, प्रमुख लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे। ये इस देश की जनता की उम्मीद थी, हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हुआ। जब आपातकाल आया था 1975 में इंदिरा जी ने, तो बाला साहेब देवरस आरएसएस के सरसंघचालक थे और सरसंघचालक ने उस तानाशाही को उस वक्त विरोध किया था और उनको जेल में डाला गया था, यह हम भूल नहीं सकते। इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है, वो जेल भी गए, लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा। जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है वो जनता ने रोका है, अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका है। हमें यह अपेक्षा है आरएसएस से आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। देखिए, देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो, जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की,
लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है, डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है, मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे, जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुना, संजय राउत यहाँ पर कह रही हैं कि लोकतंत्र में आम जनता जो है वही भगवान है और 30 सीटें जो हैं, मोर देन 30 सीटें जो है बीजेपी जहाँ पर हारी है वहाँ पर मेजोरिटी और साफ तौर पर जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो लोगों को धमका रहे थे। बीजेपी पूरी तरीके से हार चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह हार चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बनारस भी हार चुके हैं, अयोध्या भी हार चुके हैं, चित्रकूट भी हार चुके हैं, नासिक भी हार चुके हैं, रामेश्वरम भी हार चुके हैं। भगवान जो है सब कुछ देख रहा है और जब भी भगवान राम जो है, जहाँ भी भगवान राम रहे हैं वहाँ वहाँ बीजेपी जो है हार चुकी है, ऐसा संजय राउत द्वारा बयान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार जो है इस मामले को तिल का पहाड़ बना रहा है, लेकिन आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया है कि इंद्रेश द्वारा दिया गया बयान उनका निजी बयान है, आरएसएस और संघ से इसका कोई लेना नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।